नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नारियल और पुदीने की चटनी बनाएंगे, जो दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, उत्पम के साथ बहुत पसंद से खाई जाती है। चलिए नारियल की चटनी बनाना शुरू करते हैं। नारियल की चटनी बनाने के लिए हमने ये ताज़ा नारियल एक कटोरी लिया है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। इसको ऊपर से हमने छील दिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये भुने हुए चने की दाल है। ये पुदीने की पत्तियां हैं कुछ, और 5-6 हरी मिर्च है। पुदीने की पत्ती की जगह आप धनिया की पत्ती भी ले सकते हैं। ये नींबू का रस है, एक छोटे नींबू का रस है। तड़का के लिए उड़द की दाल 1 चम्मच, जिसको हमने धुल लिया है। चटनी में डालने के लिए चाट मसाला है, घर का बना हुआ है। चाट मसाले का वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं वहाँ। चाट मसाला की जगह आप काला नमक, सफ़ेद नमक और भुना जीरा का प्रयोग कर सकते हैं चटनी में। तड़के के लिए राई है, करी पत्ते हैं कुछ, और 2 लाल मिर्च है। चलिए हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने मिक्सी जार लिया है, इसमें हम अपना नारियल डाल देंगे, भुना हुआ चना डाल देंगे, पुदीना, हरा मिर्चा, ये हम चाट मसाला डाल देंगे, जो छोटे चम्मच से 1 चम्मच है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा पानी डालेंगे, पानी भी हम छोटी सी कटोरी से 2 कटोरी डालेंगे। यदि हमें सूखा लगेगा चटनी तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अब हम इसको पीसते हैं। चटनी में हमारे पानी कम है, पानी हम और ऐड करेंगे। चटनी हमारी पीस चुकी है, इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं चटनी हमारी इतनी गाढ़ी है। आपको अगर और गाढ़ी रखना हो तो आप रख सकते हैं। अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने मूंगफली का तेल इस्तेमाल किया है। आप नारियल का भी तेल कर सकते हैं। अब इसमें हम उड़द की दाल डाल देंगे। एक मिनट हो गया, दाल हमारी हो गई है अच्छे से कुरमुरी। 1 मिनट तक ही दाल हमें पकाना है। अब इसमें हम करी पत्ता डालेंगे और खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। उसी के साथ हम इसमें राई डाल देंगे। तड़का हमारा तैयार है, अब हम चटनी के ऊपर इसको डाल देते हैं। तड़का हमने डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसमें नींबू का रस मिला देंगे। नींबू के रस की जगह आप खट्टी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए नारियल की चटनी कितनी अच्छी बनी है। आप इसी तरह से नारियल की चटनी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।